हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हमारी क्लास चलती है 11 बजे, जहां पर हम कवर करते हैं टारगेट द मैथ में टॉपिक जो चल रहा है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को सभी विद्यार्थी शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों तक, प्यारे भाइयों और बहनों तक, क्योंकि इस वीडियो में और इस लेक्चर में आपको काफी मजा आने वाला है। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी मेरे साथ नहीं जुड़ा है, तो आपके पास मौका है जुड़ने का, क्योंकि मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। अब ये जो नया बैच है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो बैंक की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो CDS की, डिफेंस की, तो जो मैथ्स का क्राइटेरिया रहता है वो वही रहता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे फाउंडेशन बैच में। ना केवल आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, अन्य सभी फैकल्टीज की क्लासेस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर सब कुछ मिलने वाला है। 15 तारीख से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, आज ही जुड़ जाएं साहिल 10 कोड लगाकर। सर आज जुड़ने से क्या फायदा होगा? आज जुड़ने से आपको अधिकतम डिस्काउंट साहिल 10 कोड लगाकर मिलने वाला है। साथ के साथ में आपको यूज टू भी हो जाओगे 4-5 दिन में। आपको ये भी मैं बता दूंगा कि PDF कैसे मिलती है, कहां मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, सब कुछ। तो सभी फटाफट से जुड़ जाना। आज से ही बिगनर टू एक्सपर्ट बैच है अपना। 0 लेवल से लेकर हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स तक हम करेंगे कवर, हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। मेरे साथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कल से शुरू हो रहा है, ये सुबह 9 बजे। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है ना सुबह 9 बजे, उस टॉपिक वाइज टेस्ट में कल जो क्राइटेरिया और कल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि आज हमारा रेशो खत्म हो गया है। आगे मैं अगर बात करूं तो डेली 3 बजे आज भी होगा, डेली दोपहर में 3 बजे अपना एक मॉक टेस्ट होता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन का एक पार्ट है, तैयारी का एक पार्ट है प्रैक्टिस, और वह पार्ट तैयारी में 90% योगदान देता है, यानी कि 90% आपका योगदान प्रैक्टिस का ही रहने वाला है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रेगुलर बेस पे करनी है, क्योंकि एक दिन करने से कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अधूरा तो हमेशा रह जाता है। तो डेली 3 बजे मेरे साथ एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, छोड़ना नहीं है। डेली लगाएं एक मॉक टेस्ट 3 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12:30, 2 बजे और 3 बजे। ये आज का पूरा टाइम टेबल है आप लोगों का। कंटिन्यू बेसिस पे तैयारी करते रहें आप लोग इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है माय डियर? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिएगा हम अब शुरुआत करते हैं। और आप सब चीजों को, आप सब लोगों को पता है ना कि आज 5 बजे और 8 बजे भी क्लास है। 5 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति, और रात को 8 बजे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री अन अकेडमी पर। तो सभी लोग जुड़ना ना भूलें मेरे साथ में, ठीक है? चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से लेकर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जहां से हमने रिलेटिव स्पीड को समझा, उसी से ही समय शुरू करता हूं मैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़ो, आपको जो भी लिखना है वो लिखो, करो, और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ए और बी 60 किलोमीटर दूर है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। एक बस ए से दूसरी बस बी से चलती है, एक बस ए से चलती है दूसरी बस बी से चलती है। अब बोला जा रहा है अगर सर वे ए की दिशा में जाती हैं तो 6 घंटे में मिलती हैं, यानी कि वे अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो S1 + S2 सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो आपका रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, और 6 घंटे में मिलती हैं, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है 6 घंटे में। अगर वे अब विपरीत दिशा में जाती हैं तो चाल जुड़ जाती है रिलेटिव स्पीड से, और 2 घंटे में, यानी कि 60/2 यानी कि 30 यानी कि 10। तो दोनों की चालों का योग दे रखा है और दोनों की चालों का अंतर दे रखा है, तो अधिकतम गति वाली बस की चाल क्या होगी? तो आपको पता है S1 निकालना है, तो क्या करोगे? दोनों की चालों का योग करके 2/2 कर दोगे,
तो ये हो गया सर 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। और अगर न्यूनतम वाले की निकालनी है तो क्या करोगे, 30 में से 10 घटा दोगे, 20 बटे 2, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो आंसर आ गया वो 20 और 10 आ चुका है। हाँ सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए आप, ट्राई करिए, देखते हैं क्या आता है। दो मोटर शहर ए से बी की यात्रा क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करते हैं। यदि एक मोटर को यात्रा करने के लिए दूसरी मोटर से 2 घंटे का कम समय लगता है तो शहर ए और बी के बीच की दूरी, तो वही वाला दूरी वाला कॉन्सेप्ट दोनों की चालों का गुणनफल होगा और दोनों की चालों का योग हो जाएगा और या अंतर अंतर होगा। कारण क्या है अंतर होने का, क्योंकि यहां हमें 2 घंटे कम या ज्यादा दे रखा है। अगर कभी भी प्रश्न में लिखा रहे कि 2 घंटे कम या कुछ घंटे ज्यादा, तो ज्यादा या कम आने का मतलब अंतर वाला कॉन्सेप्ट होता है 2 घंटे। तो 2 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 9 बार, 3 से काटा 20 बार, 3 से काटा 14 बार, 14 दूनी 28, 280 किलोमीटर आपकी क्या निकल कर आ गई, दूरी निकल कर आ गई। क्या आप प्रश्नों को पढ़कर एक सेंस डेवलप कर पा रहे हैं क्या, वो सेंस डेवलप होना जरूरी है कि यार इसमें ये लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा। क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आराम आराम से हर चीज में बता रहा हूं आप लोगों को कि सेंस डेवलप करना जरूरी है। टाइम डिफरेंस की बात की गई है तो डिफरेंस लगाएंगे, है ना। अगला प्रश्न बनाओ, आराम से पढ़ो, नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, आपको सीखने ही आना है यहां पर। चलिए दो स्थान है सर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। स्कूटर पर दो सवार एक साथ ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, ढाई घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। अब सुनना मेरी बात को, सुनना, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और उनके बीच की दूरी ढाई घंटे बाद 25 किलोमीटर रह जाती है, यानी कि कवर कितना किया होगा, 275 किया होगा, और कितने घंटे में, ढाई घंटे में। अरे वाह। और आपको पता है जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, रिलेटिव स्पीड। तो 5 से काटा, 25 110 आ गया। अब सुनना बात को, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्कूटर दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि अधिक या कम होता है तो अंतर दे रखा है, यानी कि S1 माइनस S2 बराबर आपको 10 दे रखा है। तो S1 निकालेंगे तो क्या होगा, 120 बटे 2 60, दोनों को जोड़कर बटे 2 और दोनों को घटाकर बटे 2 50। तो 60 और 50 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अरे हां भाई, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, CGL गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है क्या भाई। सर 9 बजे की रेशो प्रोपोर्शन कितने दिन चलेगी, और आकाश आज खत्म हो गई, बधाई हो भाई, अब कल से आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने आ सकते हो। आज आप आए नहीं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, है ना। आइए अगला प्रश्न,
चलिए आइए कैसे करेंगे देखिएगा। दो आदमी ए और बी क्रमशः इतने किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर प्रति घंटा से एक स्थान एक्स से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इतने घंटे बाद वे कितने किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब बात को सुनना, दो व्यक्ति हैं सर, एक तो ए भाई साहब हैं जो कि स्पीड देखो इनकी आप 4 × 8 और एक 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे भाई साहब हैं जिनकी स्पीड है बी, जिनकी स्पीड है 5 × 20 और 3 × 23/4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, अगर वे एक ही दिशा में जा रहे हैं तो देखो भैया इन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि 9/2 को आप 18/4 लिख दें। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, जिससे कि अंतर पता लग जाए 5/4, ये इनकी सापेक्ष चाल आ रही है। सापेक्ष चाल इस समय में, समय कितना है 3 × 6 और एक 7/2, इतनी दूरी तय होगी, ये आ रहा है 35/8। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी, 8 × 32 और 3 × 35/8। क्लियर है भाई साहब? तो हमने क्या किया, जब सेम डायरेक्शन थी तो हमने सापेक्ष चाल को निकाल दिया, हमने फिर टाइम डिफरेंस निकाल, जो भी टाइम हमारा है उसमें ही, तो भाई जो भी गैप कितना आ रहा है 5/4 का गैप आ रहा है एक घंटे में, तो इतने घंटे में कितना आएगा, इतना, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट करो, आराम से करो, पढ़कर करना है ना, गलती मत करना बस। अब देखो आराम से करते हैं, जिनको नहीं आता ना उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं बनते थे अब बनने लगेंगे। चलिए सर, नया बैच मेरा 15 तारीख से शुरू हो रहा है अजीत, बहुत ही बढ़िया बैच है, एक बार आप जुड़ जाओगे तो आपकी तैयारी पूरी ही होगी उसमें, ठीक है। 15 तारीख से शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच है, अगर आपकी नींव कमजोर है उसे मजबूत बनाइए, साथ के साथ सभी सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे उसी में एक ही फीस में, ठीक है। आओ अब इस पे आ जाओ, स्थान ए से बी तक जाने में 4 बजे दोपहर में पहुंचने के लिए सारा को, टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम ए एट 4 PM सारा को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करनी होगी। वह बी पर 3 बजे पहुंचेगी यदि वह 24 की रफ्तार से चलेगी। सारा को 2 बजे पहुंचना है तो क्या चाल है। अब कहानी बहुत अच्छी है, सारा खेल टाइम का है, देखो कैसे मैं कहता हूं कि अगर उसकी रफ्तार 18 किलोमीटर पर आवर होगी और अगर उसकी रफ्तार 24 किलोमीटर पर आवर होगी, अगर मैं कह देता हूं कि 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24, ये उसकी स्पीड का रेशो है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का रेशो, कोई दिक्कत नहीं। गैप कितना आ रहा है, वह 4 बजे पहुंच रही है, वह 3 बजे पहुंच रही है, यानी कि एक घंटे का, एक घंटे कम लग रहा है, यानी कि यहां उसको 4 घंटे लग रहे हैं, यहां उसको 3 घंटे लग रहे हैं। सही बात कह रहा हूं क्या? यस। और दूरी भी पता लग गई आपको, देखो बेहतर, ठीक है, बेहतर 72 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। कैसे आ गई, देखो यहां 4 घंटे लग रहे हैं 18 की रफ्तार से, तो दूरी तो वही है। अब बोला जा रहा है कि बी पर उसे 2 बजे पहुंचना है, यहां 4 बजे पहुंच रही है तो 4 घंटे लग रहे हैं, 2 बजे पहुंचने के लिए 2 घंटे में पहुंचना है, तो 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी अगर आप 36 की रफ्तार से चलोगे ना तभी कवर हो पाएगी। और आंसर आ गया ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है क्या? आप आराम से समझो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जरूरत की नहीं है, हर चीज को आराम से धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। भाई आपने दूरी कैसे निकाली, 2-4 घंटे लग रहे हैं 18 की रफ्तार से, दूरी तो सेम ही रहेगी 72। सर अच्छा, तो मैं देख लो भाई 24 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे, 24 या 72, दूरी तो सेम ही रहेगी। अब ये बोल रहा है
कि 2 बजे पहुंचाना है, तो मैं कह रहा हूं कि 4 बजे पहुंचने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 2 बजे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में कवर करवाना है आपको बेहतर। तो रफ्तार 36 होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए, तब जाके काम मामला सेट होगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइए और तसल्ली से आराम आराम से पढ़कर कह क्या रहा है, क्या कर सकते हो, कर पा रहे हो या नहीं, कोई बात नहीं, फिर सीखो कि किया क्या जा रहा है। बस वेरी गुड, आराम से देखिए कैसे करोगे। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 140 है, पहला स्कूटर ए से बी की ओर 50, चाल से 10 बजे सुबह सुबह प्रस्थान करता है, दूसरा स्कूटर बी से ए 12 बजे दोपहर में। अब बात को सुनना और समझना, और प्लीज रिएक्ट मत करना ज्यादा, क्योंकि अभी जब चीजें समझने वाली होती है ना तो डाउट रहते हैं, समझ में आ जाती है तो सब चीज इशारों इशारों में हो जाता है। दोनों कब मिलेंगे, ठीक है, यहां तक आप में से किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी है? हाँ, इस फ्राइडे को क्या होगा, वही 4 वीडियो छोटी छोटी प्यारी प्यारी। आज वेनसडे है तो आज शाम को 5 बजे और 8 बजे आपके लिए 2 टॉपिक होने वाले हैं। 5 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति और 8 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति। सब लोगों को टाइम पर आ जाना है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए पढ़ने वाले के लिए। अब प्लीज अब यहां पर आइए, मैंने कल समझाया था कि यार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दूरी भी दे रखी है, क्या सापेक्ष चाल का नियम लग सकता है, क्या क्या रिलेटिव स्पीड लग सकता है, क्या नहीं लगेगा, क्लियर है ना, रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा सर। मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो फिर और क्या लग सकता है, और रिलेटिव स्पीड लग क्यों नहीं रहा है, बोलो लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि सर टाइम सेम नहीं है ना, ये 12 बजे है ये 10 बजे है। अच्छा, तो टाइम सेम कैसे करोगे, तो भाई 2 घंटे इसको चला दो, 50 की रफ्तार से 2 घंटे चला दोगे तो 100 किलोमीटर तो चल गया, 100 किलोमीटर चलने के बाद में 140 में से 40 बचेगा केवल। अब ये कह सकते हो कि 10 बजे या 12 यहां बज रहे हैं और 12 वहां बज रहे हैं, सही बात है कि नहीं, हाँ यार ये बात तो उचित है, दोनों तरफ 12 बज रहे हैं, 50 की रफ्तार से 2 घंटे चल गया, 100 तो तय कर ली, बची कितनी 40। अब आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो 50 और 30, और देखो जरा 40 किलोमीटर की दूरी 80 की रफ्तार से जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं तो चाल जुड़ जाती है, 80 की रफ्तार से आधा घंटा लग रहा है, आधे घंटे में वो एक दूसरे से मिल लेंगे, यानी कि आधे घंटे कब, 12 बजे के बाद, तो 12:30 बजे दोपहर में वह एक दूसरे से मिल लेंगे, मीटिंग हो जाएगी उनकी। क्लियर भाई साहब, एक क्वेश्चन और पूछ लूं, इसी में पूछ सकता हूं मैं ये पूछना चाहता हूं, बताओ ए ने कितनी दूरी तय करी, बिंदु ए से कितनी दूरी पर वो मिले, टोटल बताओ, तो आप ये कहोगे सर 100 तो पहले और फिर यहां आधे घंटे में 25, 125 ए से 125 किलोमीटर की दूरी पर और बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर, तो ए से तो 125 और बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर वो मिले, क्लियर, वेल डन। नेक्स्ट करिए, आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे करिएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिएगा
बिंदु ए से एक कार 11 बजे बिंदु बी की ओर जाती है 36, आराम से पढ़ो 36, जबकि 1 बजे दूसरी कार। अब मैं कह रहा हूं कि भाई सुबह 11 बजे की बात है, देख लो आप, और वहां से रवाना हो रही है 1 बजे दोपहर में। फर्क पता लगी क्या आपको? टाइम तो बराबर नहीं है, यानी कि आपको 12 एक दो घंटे चलाना पड़ेगा कोई भी चीज को, चलवाएंगे भाई और क्या करें। अब बोला जा रहा है सर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी 36 और बी से 44, दोनों को 592 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं दोनों कारें मिलने तक। भाई टोटल दूरी कितनी है? 592, तो एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगी? क्या करोगे? सर वही काम कि 11 बजे से पहले 1 बजे पर देखो, 1 बजे ये कहां है, तो मैं देखता हूं कि 1 बजे 2 घंटे चलने के बाद 36 की रफ्तार से 72 किलोमीटर कवर हो गया। अब 72 कम होने के बाद बचा कितना? 520 ही तो बचा, और 520 दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हो गया 50 और 30 80, ये टाइम लग रहा है। अब ये टाइम है कितना? 13 चौके 52, 4 दुनी 8, 6.5 घंटे, 6 घंटे 30 मिनट किसके? 1 बजे के बाद में 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 7:30, 7:30 बजे वह शाम को मिलेंगे, वह 7:30 बजे। क्या आप सभी को अब ये क्लियर हो रहा है ना कि क्यों हम टाइम को बराबर कर रहे हैं? रिलेटिव स्पीड के लिए बराबर कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब यहां टाइम दोनों तरफ बराबर होता है। क्या ये क्लियर है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब दे दो, कम ऑन फटाफट से। दूसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बराबर कर रहे हो तो पहले वाली गाड़ी को 2 घंटे चलाओगे, 72 किलोमीटर आप टोटल दूरी में से घटा दोगे, तब 520 आया। क्योंकि रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लगाते वक्त जब टाइम सेम होता है उस दौरान दूरी देखी जाती है। चलिए सर मैं पूछ लेता हूं कि बताओ ए से कितनी दूरी पर और बी से कितनी दूरी पर मिले? आप बस दूरी बताओ कि ए से कितनी दूरी पर मिले और बी से कितनी दूरी पर। तो आप यह कह सकते हो 13/2 घंटे में 36 की रफ्तार से 18 × 13 और 18 × 54 234 प्लस 72 और कर दो 306 किलोमीटर, 306 किलोमीटर और 286 किलोमीटर। तो ये दूरी भी निकाल सकते हो कि इससे कितने पर और उससे कितने पर, ठीक है? हाँ, अब बताओ। एक बच्चा कह रहा है कोई टाइम पर नहीं मिलता सर। अरे मैथ कर रहे हैं, इमोशंस थोड़ी लगाने हैं इसमें। हाँ भाई, नेक्स्ट करिए, लगाओ दिमाग, क्या पता आंसर आ जाए। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे, देख लेना चाहे तो, बस आराम आराम से पढ़िए। P एवं S एक दिन, P एवं S एक दिन स्थान X से स्थान Y तक यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। P स्थान Y से 72 किलोमीटर की चाल से 11 बजे सुबह 11 बजे है ना, और एस जो है वाई के लिए सही है ना, वाई के लिए, देख रहे हो लैंग्वेज, देख रहे हो उसकी, 11:30 बजे
एस किस चाल से यात्रा करे कि पी को चार घंटे में पकड़ सके। अच्छा एस की चाल नहीं दिया अपन को, अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि पी को चार घंटे में पकड़ सके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 11:30 बजे है और ये 11 बजे है। रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट का एक बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल आने वाला है, बहुत मजेदार बहुत ही शानदार चीज। भाई देखो 11 बजे की बात है सुबह और यहां बज रहे 11:30। एस किस चाल से यात्रा करे कि पी को 4 घंटे में पकड़ सके। पी को अगर आपको 4 घंटे में पकड़वाना है ना, तो 11:30 बजे ये देखो कितनी दूरी चल चुकी होगी। भाई दूरी तो ये चलिए आधे घंटे में 36 किलोमीटर। यहां पर अब 11:30 बजा दिए, यही क्राइटेरिया होता है पी को 4 घंटे में पकड़ सके, यानी कि ये भी 4 घंटा चलकर आइए 72 की रफ्तार से। सही है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है हमें। और बाकी तो फिर अपने सामने ये भी टाइम है 11:30 सुबह के, ये भी 72 × 4। ठीक है सर, दोनों एक तरफ से जा रहे हैं ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर मिस्टेक हो जाएगी फिर आप कहोगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, कहा क्या जा रहा है ये देख लो। एस स्थान वाई के लिए, देखो एस स्थान वाई के लिए जा रहा है ना। आई बात समझ में? बोले सर ठीक है। मैंने कहा स्पीड ऑफ एस आपको निकालनी है, स्पीड निकालो एस की। चलिए क्या होगी बताओ। मैं कहता हूं सर 72 तो है, 7 के 7 में जो ये 36 है वो भी 4 घंटे में तय करवा दो आप, 81 हो जाएगी क्या? ये किसको समझ में नहीं आया ये बता दो। हाँ बहुत बच्चा कह रहा है सर सेम डायरेक्शन है, ऐसा है एग्जैक्टली। तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है कि कॉन्सेप्ट को समझना है ना। अगर आप ये कहते हैं कि सेम डायरेक्शन है, तो एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक बार फिर चेक करेंगे। अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है देखो, पी एन हैज डिसाइडेड टू गो ट्रिप पॉइंट वाई ऑन ए पर्टिकुलर डे फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स से वाई की ओर जाना शुरू करते हैं। पी लीव्स 4 पॉइंट वाई 11 AM, पी 11 बजे निकल जाता है 72 की रफ्तार से, एस लीव्स 4 पॉइंट वाई। अच्छा सेम डायरेक्शन है, पी स्थान वाई के लिए, ठीक है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब भी वही बात है 72 की रफ्तार है सर। मतलब ये फ्रेम उल्टा ले लिया था मैंने, यहां पर वो 72 की रफ्तार है इधर जा रहा है और दूसरा वाला आधे घंटे में फिर तो डायरेक्टली हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 36 किलोमीटर हो जाएगा, आधे घंटे का गैप है। यहां मैं कह सकता हूं कि ये 72 की रफ्तार से जा रहे हो, ये आप मान लो एक्स की रफ्तार से आ रहे हो, तो क्या होता है सर 4 घंटे ही तो लग रहे हैं, लग रहे हैं ना रिलेटिव स्पीड में। तो हम ये कह सकते हैं 72 एक्स माइनस 72 क्योंकि ओवरटेक हो रहा है, 36 किलोमीटर को 4 घंटे लग रहे हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 81। तो जो लोग आप 81 दे रहे हो वो इस वजह से दे रहे हो, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन मेरे को दिखाई नहीं है, मुझे लगा पी स्थान से जा रहा है, लैंग्वेज का फर्क है। मुझे एस के स्थान के लिए तो पता लग गया था, लेकिन देखो पी वाई के लिए जा रहा है, तो दोनों ही वाई के लिए जा रहे हैं, इट मींस सेम डायरेक्शन है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया, इतनी माथा पच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बस अगला प्रश्न करिए। अब देखिएगा पहला प्रश्न है, क्राइटेरिया पढ़ लो, क्या ये रिलेटिव स्पीड है क्या, हाँ या ना में जवाब दो पहले तो आप, क्या ये रिलेटिव स्पीड है क्या,
अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कौन सा कंसेप्ट ज्यादा बेहतर है यहां पर? नहीं पता कोई बात नहीं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। हां चलिए, किसी आदमी ने 87 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल। अब प्लीज सामने देखना, बहुत सारे मेथड बताऊंगा और आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज करना, ठीक है? देखो पैदल, तो पैदल और साइकिल, मतलब आप पैदल भी जा सकते हैं, आप साइकिल से भी जा सकते हैं, ठीक है? आपके पास पहला मेथड क्या कहता है कि टोटल 87 किलोमीटर की दूरी है, 13 घंटे लग रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि साइकिल वाले की, पैदल वाले की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है माय डियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर नहीं है। ये आपकी स्पीड हो गई ना। मैं कहता हूं कि मानो एक्स दूरी पैदल तय करवा रहे हो तो कितनी दूरी साइकिल तय करेगी? तो सर टोटल अगर 87 है तो 87 माइनस एक्स ही तो साइकिल तय करेगी, हां या ना? और उसकी रफ्तार कितनी है? 9। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और यही तो आपका टोटल टाइम है 13 घंटे। यस सर, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, पूरा सॉल्व, तब जाके आपका x का मान आएगा और x आपका क्या है? डिस्टेंस होगी, और तब जाके आप अपना आंसर निकाल पाओगे। भाई डिस्टेंस मतलब पैदल चलने वाली डिस्टेंस, ये वाली, और फिर इसमें से घटा दोगे साइकिल वाली। तो ये तो है पहला मेथड, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मेथड, ये बेसिक है x मानकर। दूसरा मेथड कहता है सर पैदल चल रहे हो? मैंने कहा हां भाई। साइकिल से? यस। पैदल चल रहे हो तो स्पीड कितनी है? 4। साइकिल से चल रहे हो तो 9। और एलिगेशन क्या कहता है? कुल एवरेज स्पीड बताओ, ओवरऑल एवरेज स्पीड। तो कुल दूरी बटे कुल समय, 87/13, यही होता है ना भाई एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है? अब जो ये 13 है ना, उसको आप चाहे तो ऊपर गुणा कर सकते हो, कहां पर? यहां पर, सॉल्व करने के प्रोस्पेक्टिव से। तो ठीक है सर, 13 नम्मा 117, 87 घटा दीजिए और ये अपने पास आ जाएगा कितना? 30, और 13 चौके 52, 7 में से 2 गए तो 5, और 8 में से 5 गया तो 3, तो 5×6=30 और 5×7=35, 6:7। तो ये जो रेशो आया है ये किसका आया है? टाइम का। ये जो रेशो निकल कर आया ना, 6:7, जब स्पीड में आप एलिगेशन लगाते हो तो रेशो जो आता है ये टाइम का आता है। तो यानी कि यहां 6 घंटे हो गए और यहां 7 घंटे, क्यों? क्योंकि टोटल 13 घंटे है ना, तो 6:7 को बराबर करोगे तो 6 घंटे ये और 7 घंटे ये। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 7/63, क्योंकि साइकिल वाले की स्पीड 9 थी तो 63। ये भी ठीक है, क्लियर है? आइए चलिए अब आते हैं JSM पर, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। जिसको नहीं आया वो समझ लेना कि
क्योंकि बहुत काम की चीज बता रहा हूं, आसान हो जाता है, बहुत कुछ आसान हो जाता है भाई पैदल और साइकिल के माध्यम। पैदल आपकी स्पीड 4 है और साइकिल से आपकी स्पीड 9 है। मैं ये कहता हूं कि माना साइकिल से 4 की रफ्तार से आप चल रहे हो, मान सकते हो क्या? सर ये कैसे मानते हैं? ये ऐसे मानते हैं कि जो मिनिमम है ना इनमें से, उसी की रफ्तार से जो ज्यादा वाली रफ्तार है उसको चला दो। माना 4 की रफ्तार से चल रहे हैं तो 13 घंटे कुल दूरी, 13 घंटे में तय की जा रही है दूरी, तो 13 घंटे में 4 की रफ्तार से कितना किलोमीटर चल देंगे? सर हमारे हिसाब से 52 किलोमीटर। और क्वेश्चन क्या कहता है? 87 कह रहा है। तो ये कितना कम आ रहा है? 87 और 52 का जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है 35 किलोमीटर का। क्यों 35 किलोमीटर क्यों कम है बताओ? 35 किलोमीटर क्यों कम है? क्योंकि साइकिल की रफ्तार आपने 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी, इस वजह से है। तो 5 किलोमीटर पर घंटा साइकिल की रफ्तार कम कर दी तो 35 किलोमीटर कम है, तो साइकिल चल कितना रही होगी? 7 घंटे। अरे वाह, अगर ये 7 घंटे है तो ये 6 घंटे। क्यों? क्योंकि टोटल तो 13 है ना, 13 ही तो था टोटल। तो बताओ क्या मजा नहीं आया क्या आपको? अब बस 7 घंटे से 9 की रफ्तार से 63 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ गया। अरे आएगा धीरे धीरे, सब आएगा। कौन सी ऐसी चीजें जो दुनिया में ना आ सके, आप खुद बनाएं और जेएसएम से बनाकर ट्राई करें और आंसर निकालकर मुझे तुरंत दें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सौ किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में कुल मिलाकर। तो कुछ पैदल है तो पैदल हमने मान लिया 10, साइकिल से हमने मान लिया 12। मैंने अभी क्या समझाया था कि 12 को आप छोटी वाली जो स्पीड है उसके बराबर ले आओ, तो 10 की रफ्तार से 9 घंटे में आप कितना कवर कर लोगे? 90। लेकिन ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि 90 तो है ही नहीं, टोटल तो 100 है। तो मैं कह रहा हूं भाई 10 किलोमीटर का फर्क आ रहा है क्योंकि 2 किलोमीटर पर घंटा कम किया है, तो यानी कि ये 5 घंटे चलेगा और ये 4 घंटे चलेगा, तो यानी कि इसकी रफ्तार 40 आ गई, मतलब 40 किलोमीटर कवर करेगा पैदल। अब बताओ काई का एलिगेशन और काई का बेसिक सब साइड में। अगला करो, अगला सिंपल रेश। यूपीएससी तक ये क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल वीजीएल सब निकल जाएंगे यूं ही, बस लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो मेरी क्लास में और 3 बजे मॉक टेस्ट लगाओ, डेली 3 बजे मॉक टेस्ट लगाओ। और आज तो खास दिन है आपके लिए। बोले किस लिए सर? क्योंकि आज मैं आपके लिए 5 बजे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर और रात को 8 बजे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है यार, मतलब मेन काम है अपना ये। आओ इसको करो, पहले उड़ा दो आराम आराम से तसल्ली पूर्वक, और लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी भाई साहब टेलीग्राम पर भी। आया क्या कुछ आंसर? वा कुल यात्रा का 5/12 रेल द्वारा, 7/15 बस द्वारा, शेष 3.5 है। तो मैं कहता हूं 12 और 15 का एलसीएम ले लो। एक
75 यूनिट आपने रेल बाया ट्रेन और 84 यूनिट आपने बस, 159, 60, 21, तो 21 यूनिट बच रहा है। इट विल बी इक्वल टू 3.5, इट मीन्स 7/2 किलोमीटर। 1:1.6 किलोमीटर। चलिए तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, 180 रेशो का निकालना है, तो 1:1/6 है, तो 180 × 1/6 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, हो गया ना आंसर, आ गया ना भाई साहब। जिनका भी 30 किलोमीटर आया है वही सही है, 60 वाले थोड़ा दिमाग लगा ले। आइए अगला आंसर देके दिखाइए, चलिए तसल्ली से पढ़िए, पहले देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, तब कर पाएंगे आप। अरे सीडीएस वीडियस सब निकल जाएगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, और कंटेंट इससे ऊपर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सुबह 9 बजे वाली क्लास में कल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। अब सुबह 9 बजे वाली क्लास तो बहुत सारे बच्चे तो लेते हैं, काफी बच्चे नहीं भी लेते होंगे जो अनअकैडमी पर होती है। आपको पता है उसमें लेवल क्या रहता है, लेवल इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि डराना है, वो जो पेपर में आता है वही कराना है, और कुछ भी नहीं होता क्वेश्चंस में। बड़े से बड़े एग्जाम्स का दिखा दिया मैंने आप। आइए अन्ना, अन्ना 5:20 पर सुबह बी से शहर ए के लिए प्रस्थान किया, 2:15 तक 80 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा की। अब कुछ नहीं है, कोई मेथड नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पहले तो मैं। चलो सर ठीक है, पढ़ो आप भी, हम भी पढ़ लेते हैं। 2:15 तक 80 की रफ्तार से चलते रहे, बाद में 60 की रफ्तार से यात्रा की। यदि शहर ए से बी के मध्य दूरी 350 किलोमीटर हो तो अन्ना कब शहर ए पहुंचा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो 2:15 तक 80 किलोमीटर, 2:15 यानी कि 2 सही 1/4, 4 × 2 = 8, 9/4 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली, कर ली ना भाई 2:15। ठीक है, वो लास्ट में टाइम वाइम जोड़ लूंगा मैं। अब उसके बाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से, तो उसके बाद में कितना, 170 किलोमीटर 60 की रफ्तार से, 17/6, 6 × 12, 5/6 यानी कि 2:50। अब कब पहुंचा वो ये बता दो, कब पहुंचा वो सर, 2:15 और 2:50, तो ये हो गया 4:05, सही है ना, 5:05 इसमें जोड़ दो, 10:25, डी आंसर आएगा। बता, कुछ ही नहीं है, बस सिंपल सिंपल करते जाओ और आंसर मिलता चला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, टेंशन तो नहीं हुई ना भाई साहब, टेंशन नहीं लेने का है। क्या किया सर आपने, कुछ नहीं किया सर ने, सर ने कहा 2:15 तो है ही, अंतिम जो बची हुई दूरी थी 170, क्योंकि टोटल 350 है ना, 180 घटा दिया, 60 की रफ्तार से तय करने में समय लग रहा है 2:50, उन दोनों को जोड़ा तो 5:05, 5:05 इसके बाद, तो 10:20 से 5 जोड़ेंगे 25। अब आप कहो सर कौन सा मेथड है, कौन सा टाइप है, कोई टाइप नहीं है,
सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज वाला है, पढ़ो और करो और कुछ नहीं करना। आइए अगला प्रश्न बनाइए, आराम से बनाना, ठीक है, टेंशन मत लेना और लाइक भाई खींच के करते रहो यार, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, बस सीखिए बस, नो टेंशन, नहीं नो टेंशन। आ जाओ, ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दोनों बिंदुओं से एक बस एक ही दिशा में चले तो वह 6 घंटे में मिलते हैं, वही वाली बात आ गई यार, ये तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में चले तो 2 घंटे में मिलते हैं। अच्छा एक ही दिशा में चल रहा है ना, तो माइनस करनी पड़ेगी, तो बस निकाल लो तेज वाली की, और क्या 20 आ गया आंसर, ये तो इजी था, ये तो बहुत इजी था। अगला प्रश्न बनाइए, भाषा बदल गई, क्वेश्चन वही रहा, एक पैदल और एक साइकिल सवार चलना आरंभ करते हैं। चलिए एक साथ चलना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः औरंगाबाद और पैठन से एक दूसरे की ओर चलकर 2 घंटे बाद आपस में मिलते हैं। 2 घंटे बाद औरंगाबाद और पैठन के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। इसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और साइकिल सवार पैदल व्यक्ति के पैठन पहुंचने से 7 घंटे 30 मिनट पहले ही औरंगाबाद पहुंच जाता है। पैदल व्यक्ति की चाल क्या हो सकती है बताओ। बड़ा गजब का प्रश्न सर, तेज वाली के किसी पता चलती, अरे तो भाई ज्यादा वाली निकाल लो, वही तेज वाली है, कोई भी मान लो, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि एस वन ही क्यों माना, कुछ भी मान लो, लेकिन तेज वाली तो तेज वाली रहेगी ना। अरे यार चलो अब क्वेश्चन के डायग्राम को समझते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, प्लीज ध्यान देखना। एक पैदल और साइकिल सवार एक साथ चलना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः औरंगाबाद और पैठन एक दूसरे की ओर चलकर 2 घंटे बाद आपस में मिलते हैं। प्लीज सामने देखना, ठीक है, हाँ, औरंगाबाद और पैठन एक दूसरे की ओर चलकर 2 घंटे बाद आपस में मिलते हैं। मीटिंग टाइम है इनका, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पैदल चल रहा है और हम ये कह सकते हैं कि ये साइकिल से चल रहा है। दो घंटे बाद मिल रहे हैं और औरंगाबाद और पैठन के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है, तो क्या मैं कह सकता हूं पैदल चलने वाले और साइकिल पर चलने वाली की सापेक्ष चाल के नियम के हिसाब से दोनों की चालों का योग 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा क्या, क्योंकि मीटिंग टाइम 2 घंटे है ना और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो भाई कोई समस्या तो नहीं है, बोले सर नहीं है।
अब क्या बोला जा रहा है वो देख लो बस। इसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और साइकिल सवार पैदल व्यक्ति के पैठन पहुंचने से 7.5 घंटे पहले ही औरंगाबाद पहुंच जाता है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं, साइकिल वाला 7.5 घंटे पहले ही पहुंच रहा है। सोचो आप, यानी कि जितना समय अगर ये लेगा उससे 7.5 घंटे पहले ही पहुंच रहा है साइकिल वाला, क्योंकि साइकिल भाई मिलेंगे 2 घंटे तक, 2 घंटे बाद। तो आप हमें बताइए कि क्या हो सकती है। सकती है का मतलब समझ में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपको अंदाज बताना है ना, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है इसमें, ठीक है भाई। आइए अब मैं कहता हूं कि अगर आप रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो यहां जो स्पीड आपको दे रखी है यही क्या है, आंसर है। तो अगर हम बोल देते हैं कि पैदल चलने वाला 4 की रफ्तार से चल रहा है तो साइकिल वाला किस रफ्तार से चलेगा, 16 की रफ्तार से चलेगा। सही बात है ना, सही है ना भाई, ठीक है। अगर साइकिल वाला 16 की रफ्तार से चलता है तो साइकिल वाला कितना चल चुका होगा 2 घंटे में, 32 किलोमीटर, ठीक है। तो बचेगा कितना, 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर 16 की रफ्तार से वो 1/2 घंटे में ही तय कर लेगा, वेरी गुड। और पैदल वाला कितना चला होगा 4 की रफ्तार से, 2 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर वह कितनी देर में तय करेगा, 8 घंटे में। तो क्या दोनों का गैप बन गया 7.5 घंटे, अरे वायर, यानी कि यही उत्तर। ऐसे चेक करना है क्या, यस ऐसे ही चेक करना है आपको, 4 ही तय 3 चेक करने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर, राजकुमार कह रहा है सर 20 कैसे आया। राजकुमार यार प्लीज शर्मिंदा ना करो भाई यार, 40 किलोमीटर बीच की दूरी है, 2 घंटे में वो मिल रहे हैं, तो दोनों की चालों का योग ही तो आएगा 20 किलोमीटर, दूरी बटे समय। चलिए अगला प्रश्न, मजा आ गया ना क्वेश्चन में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया ना पिछला, 6th नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें आप, दो मोटर चालक सुबह 10 बजे दादर रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं सर, दादर रेलवे स्टेशन पर। उसके मिलने के बाद उनमें से एक पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है, यहां दादर स्टेशन है, एक पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है जबकि दूसरा उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता है। ठीक दोपहर के समय यानी कि 12 बजे एक दूसरे से, यानी कि 10 बजे की बात है, 2-2 घंटे दोनों चल लिए, और दोपहर, ठीक दोपहर का मतलब होता है 12 बजे आफ्टरनून, एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो धीमे मोटर चालक की चाल ज्ञात कीजिए यदि दोनों की चालों का अंतर 6 किलोमीटर हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसे शानदार शानदार प्रश्न है जो आपको मजा आ जाएगा। तो मैं कहता हूं सर ठीक दोपहर में मतलब 12 बजे की बात आप कर रहे हो ना, मैंने कहा बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो 2 घंटे में कितना कितना चल लेंगे, बोले स्पीड का तो पता नहीं लेकिन हां अंतर जरूर दे रखा है। और यह बोला गया कि एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 60 किलोमीटर इनका ये होगा विकर्ण, ये बात याद रखना। तो यानी कि ये कितना है सर, 60 है, डायरेक्ट दूरी पूछी बताई गई है आपको 60, ठीक है। अब धीमे मोटर चालक की और दोनों की चालों का अंतर भी बता दिया है अपन को, दोनों की चालों का अंतर भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो आप बस मुझे ये बता दो यार कि दोनों की चालों का अंतर है 2 घंटे, ये 2 घंटे ये, और इनके बीच की 60 किलोमीटर, क्या करा जाए यार। ट्रिपलेट याद आ रहा है कुछ, 9, 12, 15, क्यों सर ऐसा, 9, 12, 15 ही क्यों, 15 चौके 60 होता है, 12 चौके 48 और 9 चौके 36, ये 60 हो गया, ठीक है। अच्छा, और दोनों की स्पीड हो गई एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूरी पर हैं, और 9 चौके 36 आ गया,
और अंतर भी आ गया दोनों का, तो धीमे मोटरसाइकिल वाले की चाल बताओ। बहुत बढ़िया। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर 9, 12, 15 भी अगर लगा देते हैं तो 36, 48 और 60, ठीक है लगा लिया। टाइम 2 घंटे है अपना, टाइम 2 घंटे है, तो उस स्पीड से 2 घंटे में तय की गई दूरी, इस स्पीड से 2 घंटे में तय की गई दूरी, तब जाके 60 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं रफ्तार मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो आप, तो अगर आप इसकी रफ्तार मान लो 18, 2 घंटे में तभी तो 36 चलेगा, और इसकी रफ्तार आप मान लो 24, तभी तो 2 घंटे में 36 चलेगा, और दोनों का अंतर कितना है 6, 60 है भाई साहब, तो धीमे वाले की आ जाएगी 18। मजा आ गया नहीं आ गया ये बताओ। कमॉन, सारा दिमाग का खेल है। सर ये 36 है ना, अरे भाई 36 तो दूरी है महाराज, 36 तो दूरी है, 2 घंटे में तय करेगा तो 36 ही तो करेगा, 48 करेगा 2 घंटे में, 10 से 12, तो वो दूरी का ट्रिपलेट लगाया अपन ने, लेकिन चाल तो 18 और 24 होगी, तो गैप 6 का ही तो चाहिए, और 6 का ही आ रहा है, ट्रिपलेट आ गया काम में। गजब के क्वेश्चंस हैं, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है इन क्वेश्चंस का। आप ये सोचे कि सर कोई और तरीका, तो कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, फिर एक्स मान के उलझे रहो इक्वेशंस में, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, सच बता रहा हूं बहुत टाइम लग जाएगा। आराम से सीखो, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। फिर एक तरीका और था, बोले क्या, ऑप्शंस, ऑप्शंस भी बहुत अच्छी तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का, जैसे कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बाया ऑप्शंस के होते हैं, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा हूं, मस्त रहो यार। और इनका कोई वो नहीं है टाइप, आप सोचेंगे कि कोई टाइप है, इनका कोई टाइप नहीं है। यहां देखो रीजनिंग, अर्थमेटिक और एडवांस में तीनों घुसा दिया उसने, ठीक है, चलिए आराम से पढ़ते रहिए। अब कल हम देखो, ये होमवर्क है आपका, ट्राई करना, अरे गजब के प्रश्न है, जिंदगी में नहीं करे होंगे तुमने ऐसे टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी कराऊंगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये होमवर्क है आपका, आप ट्राई करना, मजा आ जाएगा, आपको खुद को ही अच्छा लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। मैं वो अध्यापक बिल्कुल भी नहीं हूं जो चलता आ रहा है उसे करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम में आएंगे, ये मैं कह सकता हूं आपसे, नया है भाई ये, एक कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा। मैं कितना ही पढ़ा दिया टाइम स्पीड डिस्टेंस तुम्हें, कितना ही, फाउंडेशन में अलग तरीका होता है, फाउंडेशन में अलग तरीके से होती हैं सारी चीजें, और यही सबसे बड़ी खास बात है, जितना डीपली जाओगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। और 15 तारीख से मेरा फाउंडेशन और शुरू हो रहा है, जिन विद्यार्थी को दिल से पढ़ना है ना, सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा, लाइफ में वन टाइम मोमेंट होता है अच्छा पढ़ने का, जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं, जो शुरुआत कर रहे हैं अपने कैरियर की, तो वो मेरा फाउंडेशन ना छोड़े इस बार, मजा आ जाएगा। अर्थमेटिक की शुरुआत हो रही है 15 तारीख से, और कल सुबह सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा सुबह 9 बजे, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। 3 बजे मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, 3 बजे डेली मॉक टेस्ट लगाएं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा, और 5 बजे और 8 बजे तो आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। 9 बजे, 11 बजे, 12:30, 2 बजे, 3 बजे, ये 2 बजे फाउंडेशन है, यही चल भी रहा है अभी, ऐसा बंद नहीं है, बिगनर टू एक्सपर्ट बैच 15 तारीख से नई शुरुआत हो रही है, मेरे साथ आप आज ही जुड़ जाएं अनअकैडमी पर, एसएससी एग्जाम में जाएं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं सर 24 महीने का ही क्यों, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक टाइम की जरूरत है, 1 महीने में ना तो कुछ हुआ है ना कुछ होगा और ना हो सकता है, तो आपको लगातार पढ़ना है तो लगातार पढ़िए और एक अपनी अलग दुनिया बनाइए। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ जाइए अनअकैडमी पर, सब कुछ मिलेगा, और किसी भी कैटेगरी में अगर आप जुड़ते हो ना, जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूजी, पीजी, किसी में भी आप लेते हो, सीडीएस, बैंक, सब में आप साहिल 10 लगा सकते हो कोड, सब में आस्क ए डाउट, रेज एंड फीचर, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, पढ़ाई करो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, मिलता हूं 12:30 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
और कोर्स ले लीजिएगा, 15 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है और अच्छे से पढ़ेंगे। बैच नहीं है वो सब्सक्रिप्शन है, सभी टीचर्स की क्लास मिलेंगी, जीके भी शुरू हो रही है, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जो भी पढ़ना है शुरुआत कर दो। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।